हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे लेसन की समरी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इससे क्या होगा, आपको लेसन समझने में भी बहुत मदद मिलेगी और क्वेश्चन आंसर लिखने में भी आपको आसानी होगी। सो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर है ऑसबल, अ सीक्रेट एजेंट। वो एक सीक्रेट एजेंट होता है, वेरी फैट एंड ओल्ड, बहुत बूढ़ा और मोटा आदमी होता है। डिडेंट लुक लाइक एन एजेंट, वो एजेंट की तरह तो लगता ही नहीं है। कुड नॉट स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन क्लियरली, वो फ्रेंच और जर्मन जो है क्लियरली नहीं बोल पाता है। लिव्ड ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के वो सिक्स फ्लोर पर रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फॉलर, अ राइटर। फॉलर एक राइटर होते हैं जो कि ऑसवल का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। मैक्स अनादर सीक्रेट एजेंट, एक और सीक्रेट एजेंट होता है। हेनरी वेटर ऑफ द होटल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बाद इस लेसन की समरी। समरी ऑफ द लेसन। फॉलर केम टू मीट ऑसबल, फॉलर जो है ऑसबल से मिलने आता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। ऑसबल रिप्लाई डेट, ऑसबल फॉलर से कहता है आई नो आई एम वेरी फैट एंड डिडंट लुक लाइक एन एजेंट, मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो कि मैं तो बहुत मोटा आदमी हूँ, मैं तो एक एजेंट की तरह लगता ही नहीं हूँ। बट आई हैव एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मिसाइल, मेरे पास मिसाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो यू विल डेफिनेटली गेट एडवेंचरस इंसिडेंट, तो तुम्हें यहाँ पे कुछ एडवेंचरस इंसिडेंट जो है देखने को जरूर मिलेगा। एंट्री इन द रूम, दोनों जो है कमरे के अंदर जैसे ही एंट्री लेते हैं। एस बोथ ऑफ देम एंटर्ड इन टू द रूम दे सॉ डैट, वो देखते हैं कि मैक्स अनादर एजेंट वॉज देयर इन अ गन। मैक्स जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है पहली कमरे में और उसके हाथ में एक गन है। मैक्स आस्क टू ऑसवल अबाउट द डॉक्यूमेंट, मैक्स जो है ऑसवल से वो डॉक्यूमेंट मांगता है। ऑसवल रिप्लाई डैट, ऑसवल कहता है आई विल कंप्लेन टू द होटल्स मैनेजर बिकॉज बिफोर 2 डेज वन मैन वॉज ऑल्सो कम इन टू द रूम थ्रू द बैल्कनी। ऑसवल कहता है कि मैं यहाँ के होटल के मैनेजर की जो शिकायत करूंगा क्योंकि 2 दिन पहले भी एक आदमी इसी तरह से छुपके से मेरे कमरे में आ गया था बालकनी की मदद से। मैक्स रिप्लाई डेट, मैक्स कहता है आई डिडेंट नो डेट देयर इज अ बालकनी, आई केम फ्रॉम द मेन डोर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक बालकनी भी है, मैं तो मेन दरवाजे से आया था डुप्लीकेट चाबी की मदद से। देन सडनली द डोर वॉज नॉक, तभी दरवाजे पे कोई आता है, मतलब कोई दरवाजा नॉक करता है। ऑसवल रिप्लाई डैट पुलिस हेड केम, ऑसवल कहता है कि जरूर पुलिस आई होगी। मैक्स बिकम एंजाइटी, मैक्स घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। एंड टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ही रन अवे थ्रो द बालकनी, अपने आप को बचाने के लिए वो बालकनी से जो है कूद जाता है। फॉलर बिकम शॉक, ये सब देख के फॉलर जो राइटर होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऑसवल रिप्लाई डैट, तब ऑसवल उसे बताता है देर आर नॉट एनी पुलिस, इट इज देयर आर नॉट एनी पुलिस, इट इज द वेटर एंड देयर इज नॉट एनी बालकनी। तब वो बताता है कि दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं है, वो तो सिर्फ एक वेटर है जो कि रूम सर्विस के लिए आया है। एंड देयर इज नॉट एनी बालकनी, यानी यहाँ पे कोई बालकनी तो है ही नहीं। इट मीन्स मैक्स फॉलन डाउन फ्रॉम द विंडो, इसका मतलब ये है मैक्स जो है 6th फ्लोर से जो है नीचे कूद गया। आई होप दोस्तों लेसन आपको समझ में आया होगा। इससे जो है आपको पूरा लेसन समझ में आने का, अब आपको क्वेश्चन से लिखने में बहुत आसानी मिलेगी। If you need any help related to any subject, please contact examtime66798@gmail.com. Thank you very much, दोस्तों, and all the best for exam. Thank you.